हाँ हिमांशु जी, कहाँ अध्यापक हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ और खुर्जा में रहता हूँ। अच्छा अच्छा सबसे अच्छी बात आपको राजीव तलवार में क्या लगती है? आपका एक बड़ा ही पेचीदा सा जो डायलॉग है कि मौत ही राजीव तलवार को चुप करा सकती है और ये नामर्द होगा देश है जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात है कि 10 में से 9 बेईमान और फिर भी कहोगे हमारा देश महान। अच्छा ये बताइए कि जो मैं कहता हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी परेशानी इस देश के अध्यापक हैं, उसके बारे में क्या राय है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल 100% लोग मतलब बुजदिल बनाते हैं, शिष्टाचार में रहिए, डर के रहिए, प्रशासन को मानिए, रूल को फॉलो करिए। ये रूल सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए और आम नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं, तो उन पर उनका शोषण होता है तो चिल्लाते हैं कि हमारे साथ देखो क्या हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि 40,000, 50,000 या 1 लाख, 1.5 लाख पाने वाला शिक्षक राजीव को 100 रुपया नहीं दे पा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो मुझे नहीं लगता है, कुछ और हो सकता है। आप अपना अकाउंट नंबर सेंड करिए, हम आपके साथ हैं बिल्कुल हर तरह से, ठीक है ना? नहीं नहीं अभी और... चलिए ठीक है बताएंगे। हाँ और भाई साहब जी, हमारे पिताजी हैं एक उत्तर प्रदेश में संगठन चलाते हैं जी सद्भावना दल को लेकर के, और उनका जो ध्येय है वो इन सब चीजों को लेकर के है। मैंने पिताजी को भी दिखाया कि मैम देखिए, हालांकि ये भाई साहब गाली का प्रयोग तो करते हैं लेकिन देखिए कितना बड़ा इनके अंदर एक जुनून है, जोश है और एक जनता को लेकर के उमंग है, फिर भी देखो जनता क्या कर रही है। तो पिताजी ने देखा और ये कहा कि बिल्कुल सच्चाई वाली बातें बोलना है, ये गलत कहाँ बोलना है कि बात को। आपने जो एक हॉस्पिटल के सामने जो महिला की मौत हो गई थी उस पर जो वीडियो बनाया, रोंगटे खड़े कर दिए उसने वीडियो ने। चलिए आजमगढ़ जिसे देखना चाहिए था, आजमगढ़ में राजीव तलवार का पसीना आजमगढ़ वालों ने देखा है, लेकिन जब उनको नहीं समझ में आया तो देश के लोगों को अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे मर्द समझ रहे हैं और मुझे भी उन्हें चाहिए मर्द चाहिए। सर मैं आप सिर्फ इतना बात बोलना चाहूंगा कि सुकरात को जहर पिला दिया था वहाँ के नागरिकों ने और आज वहाँ पर सुकरात सुकरात करते हैं। एकदम एकदम है जी, तो वहाँ पर उनको कहा जाता था कि इसने पथभ्रष्ट करने के लिए इनको जहर पिलाओ, और आज उनकी जो गाइडलाइन है, आज जो उनकी बातें हैं, आज उनके ऊपर अमल करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, पूरे विश्व में सुकरात का डंका बजता। आप बताइए क्या सुकरात पूछने जा रहे हैं? एकदम एकदम एक महासंघ उससे कह रहे थे कि आप तो शिक्षक हैं, इस गाली देने वाली व्यक्ति को आप कैसे प्रमोट और कैसे वो कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि जब वेब सीरीज में और मूवीज में जब वो गाली बकते हैं हीरो तो आपको बड़ा मजा आता है और यहाँ एक व्यक्ति सच्चाई को लेकर के